Subscribe to our channel and press the bell icon and you would never miss an update from Dreamshot. Hey friends, welcome once again to your channel Dreamshot. मैंने कहा था कि हम कैमरा बेसिक्स के बारे में बात करेंगे और जब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचता हूँ इट विल बी एपर्चर, ISO एंड शटर स्पीड। जब एपर्चर के बारे में कोई मेंशन करता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? आप इसके बारे में सोचते हैं राइट? जब कोई शटर स्पीड के बारे में मेंशन करता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? आप इसके बारे में सोचते हैं? मतलब जब कोई एपर्चर और शटर स्पीड के बारे में मेंशन भी करता है हम वही सोचते हैं जो एक्चुअली होता है। व्हाट अबाउट ISO? जब कोई ISO के बारे में बात करता है तो आप क्या सोचते हैं? हम यूजुअली नॉइस के बारे में सोचते हैं क्योंकि कैमरा के अंदर क्या होता है हमें पता नहीं चलता। मैं एक्चुअली उतना टेक्निकल लड़का तो हूँ नहीं लेकिन मुझे लगा ये एक ऐसी चीज़ है जो आप सभी को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ISO का फुल फॉर्म तो होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, बट जब आप एक्चुअली कैमरा में ISO इंक्रीज करते हो होता क्या है कैमरा के अंदर? काफी सारे लोगों को एक गलत फहमी है कि जब हम ISO को इंक्रीज करते हैं तो हम सेंसर की पावर को बूस्ट करते हैं और वो ज्यादा लाइट ले पाता है, बट ऐसे नहीं होता है। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। इमेजिन दिस इज योर सेंसर। अभी हम उस सेंसर में एक पिक्सल के बारे में बात करेंगे। अब उस पिक्सल को यहाँ पे इमेजिन करो। हम एज्यूम करेंगे कि हमने एक पिक्चर क्लिक किया विद ऑप्टिमल लाइट, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट के लिए जितना लाइट चाहिए उतना लाइट है, लाइट इस पिक्सल के ऊपर पड़ेगा। ऑब्वियसली हमें ISO इंक्रीज करने की जरूरत नहीं होता। सो हम ये भी एज्यूम करेंगे कि हम ISO 100 पे फोटो क्लिक किया है तो वो जो इन्फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से कैप्चर होता है। अब इसमें रेड, ब्लू और ग्रीन के साथ कुछ और भी देख रहे हो आप, मतलब हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो होते हैं वहाँ का इलेक्ट्रिकल चार्जेस, सिग्नल्स वगैरह कभी कभी एक दूसरे से टक्कर खाके कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन भी क्रिएट करते हैं जो किसी यूज का नहीं होता है। यहाँ पे रेड, ब्लू और ग्रीन को छोड़ के बाकी जो भी है वो उसका रिजल्ट है। लेकिन रेड, ब्लू और ग्रीन जो एक लाइट का इन्फॉर्मेशन होता है वो इतना ज्यादा है कि गलत चार्जेस और सिग्नल्स की वजह से जो भी दूसरा इन्फॉर्मेशन आ जाता है वो बहुत निग्लिजिबल बन जाता है और हमें इस तरीके से एक परफेक्ट पिक्चर मिल जाता है। अब हम इमेजिन करेंगे कि हमने एक पिक्चर डार्क सिचुएशन में लिया है तो पिक्सल के ऊपर इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से आएगा, मतलब इसमें रेड, ब्लू और ग्रीन का जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत कम है, लेकिन कैमरा तो वही है इसलिए जो क्रैप इन्फॉर्मेशन होता है वो तो वैसे ही आएगा। अब जब हम फोटो को देखते हैं हमें लगता है कि इमेज कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है। लेट अस इंक्रीज द ISO। सो इमेजिन हम ISO को कुछ ISO 800 बना देते हैं, मतलब आर्टिफिशियली हमने 2-3 स्टॉप एक्स्ट्रा दे दिया है तो कुछ ऐसे हो जाता है, मतलब है हमारे पास वही इन्फॉर्मेशन लेकिन हमने बस उसको डिजिटली एम्पलीफाई कर दिया है। ये होता है जब हम ISO इंक्रीज करते हैं। अब इसमें आप देख रहे हो कि RGB के वैल्यू के साथ साथ वो क्रैप इन्फॉर्मेशन जो होता है वो भी इंक्रीज हो गया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड नॉइस। अब हमें ये पता चला कि नॉइस कैसे आता है। अब हम देखते हैं कि हाई एंड और लो एंड कैमरास के बीच में क्या डिफरेंस है, जो गुड ISO परफॉर्मेंस होते हैं और जो बैड ISO परफॉर्मेंस होते हैं। सोचो हम डार्क सिचुएशन में दो अलग अलग कैमरास यूज करके फोटोज क्लिक करते हैं, एक लो एंड कैमरा और एक हाई एंड कैमरा। उसके पिक्सल में इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसे रहता है। अब जो हाई एंड प्रोफेशनल कैमरास होता है वो ऑब्वियसली एंट्री लेवल लो एंड कैमरास से टेक्निकली एडवांस्ड होता है, मतलब इररेगुलरिटीज कम होता है, इतना कम होता है कि हमें ISO बूस्ट करने के बाद भी कुछ खास डिफरेंस नहीं दिखता है। सो जितना अच्छा कैमरा होगा उतना ही कम अनवांटेड इन्फॉर्मेशन होगा और जब ISO इंक्रीज करेंगे और इन अ वे सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली एम्पलीफाई करेंगे तब कंपैरेटिवली वो वाला जो अनवांटेड इन्फॉर्मेशन एम्पलीफाई होने के बाद भी कम ही होगा और इस तरीके से हमें महंगे प्रोफेशनल कैमरास में ज़्यादा क्लीनर इमेजेस मिलता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अगर अच्छा लगा है देन प्लीज लेट मी नो बाय गिविंग इट अ थम्स अप। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ यू फील इट विल बी हेल्पफुल टू देम। थैंक्स अगेन, टेक केयर।